Hey friends, I'm Anamika and welcome again to my channel Anna's Recipes. Friends, मैं लेकर आई हूँ आज एक और हेल्दी रेसिपी आपके लिए. लेकिन बिफोर आई बिगिन माई रेसिपी आपसे बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज बहुत सारी डिशेज मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ. फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की इडली. फ्रेंड्स ये बहुत बहुत हेल्दी नाश्ता है. फ्रेंड्स अगर आप 3 से 4 इडली खाएं सुबह ग्रीन टी के साथ तो ये बहुत हेल्दी है. एक इडली 39 to 40 कैलोरी के अप्रॉक्स पड़ती है और अगर आप 3 से 4 इडली भी खाएं एक कप ग्रीन टी के साथ तो ये नाश्ता आपका हो जाता है अराउंड 350 to 400 कैलोरीज के अंडर जो कि बहुत बहुत हेल्दी है. फ्रेंड्स मूंग दाल की बेनिफिट्स ये है कि ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है. ये रिच है फाइबर में प्रोटीन में तो इससे अच्छा नाश्ता तो और हो ही नहीं सकता. तो आइए देखिए मूंग दाल की ये इडली के इंग्रेडिएंट्स. हे फ्रेंड्स क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट माई रेसिपीज. फ्रेंड्स मैंने एक कप मूंग की दाल आधा कप चावल और 1/4 कप चने की दाल को 2 से 3 घंटे भिगो के साइड में रख लिया है. अब मैंने मिक्सी में इसका एक फाइन पेस्ट बना दिया है. ये है करीब 3 से 4 चम्मच सूजी 3 से 4 चम्मच दही और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार. अब मैं इस पेस्ट में डाल देती हूँ सूजी, मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, दही भी डाल देती हूँ साथ में. अच्छे से मिक्स कर देते हैं. और नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और अच्छे से इसे मिक्स करना है जिससे ये तीनों चीजें आपस में मिल जाएं. देखिए ये इडली के सांचे हैं, मैं इनमें तेल से इनको ब्रश कर देती हूँ, ग्रीस कर देती हूँ. अब ये जो इडली का डिब्बा है इसमें मैंने पानी मिला दिया है करीब 1.5 ग्लास और ग्लास और गैस ऑन कर देती हूँ. तब तक मैं मिक्सचर में एक पैकेट इनो डाल देती हूँ और इनो डाल के मुझे इसे हल्के हाथ से मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना. ये देखिए अब मैं इन मोल्ड्स में डाल देती हूँ इडली. 1 से 1.5 चम्मच इडली का बैटर इसमें एक मोल्ड में भर सकते हैं. दूसरे मोल में भी डाल देती हूँ. अब इसे स्टीम करने रख देती हूँ करीब 12 से 13 मिनट. ढक्कन लगा देते हैं. ये देखिए ये एकदम रेडी हो चुकी है. इसको मैं डीमोल्ड कर देती हूँ, प्लेट में निकाल देती हूँ आराम से चाकू की सहायता से. देखिए कितने आराम से निकल रही है क्योंकि हमने इसे ग्रीस कर दिया था. दूसरे वाली भी निकाल देती हूँ. ये देखिए ये मूंग दाल की इडली एकदम रेडी हो गई है. अब इसे हमें पीसेस में काट लेते हैं. मैंने लिए है थोड़ी कुछ सरसों के बीज, थोड़ी सी रेड चिली, तेल और थोड़ा सा नमक. एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया, 2 से 3 चम्मच बहुत है. करी लीव्स यानी कि करी पत्ते और सरसों के जो दाने हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं. इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ,
थोड़ा सा नमक, इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं 2-3 मिनट। और अब मेरी इडली जो मैंने काट ली थी, मैं इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ। हमें 4 से 5 मिनट ही सॉटे करना है। 2-4 बूंद मैंने पानी की डाली है, क्योंकि हमने तेल ज़्यादा नहीं डाला है, जिससे ये अच्छे से मसाला इसमें अच्छे से लिपट जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही चलाना है और ये इडली एकदम रेडी है। ये देखिए, बाकी बची हुई इडली मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और मेरी ये इडली एकदम खाने के लिए रेडी है। आप इसे खाइए चटनी के साथ, सांभर के साथ या कोकोनट चटनी के साथ, और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है।